नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम तक नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में जहां पहले से ही शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है और इस शिवसेना के दो गुटों में बट जाने के बाद अब यहां पर पक्ष और विपक्ष के बीच जंग छिड़ी हुई है। फिलहाल शिवसेना के दोनों ही गुट यानी कि उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन चुनाव आयोग भी शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को बताई जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इससे पहले सियासत तेज है इस वक्त दशहरा रैली को लेकर महाराष्ट्र राज्य में। जी हाँ, दो गुटों में बटी हुई है शिवसेना और ऐसे में दशहरा रैली का आयोजन भी दोनों ही गुटों में बेहद अलग अलग और बड़े पैमाने पर होने वाला है। उद्धव ठाकरे को ये पार्टी विरासत में मिली है। ऐसे में देखा जाए तो बाला साहेब ठाकरे जी ने इस पार्टी को स्थापित किया और शुरुआत से उन्होंने हर साल दशहरा रैली का आयोजन बड़े पैमाने पर किया शिवाजी पार्क में। दूसरी ही तरफ है एकनाथ शिंदे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी अपने गुट के साथ यहाँ पर दशहरा रैली का आयोजन करने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए इसी बीच यहाँ पर तमाम रणनीतियां बन रही हैं और उन रणनीतियों को देखते हुए अब मातोश्री में अहम बैठक होने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, अपने गुट को मजबूत बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ दशहरा रैली में कोई विवाद खड़ा ना हो जाए उसको लेकर यहां पर अहम बैठक कर सकते हैं, क्योंकि एक एक करके तमाम कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की तरफ से अब रैली का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं एकनाथ शिंदे अपने गुट को बैंड्रा कोला कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पर संबोधित करने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के दोनों ही गुट यहां पर बहुत ही बड़ा ऐलान कर सकते हैं और साथ ही साथ यहां पर तय होगा कि दोनों गुटों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। फिलहाल देखा जाए तो जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहां पर दशहरा रैली के आयोजन में किस तरीके से यहां पर कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ गौर करना चाहेंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार के स्टेटमेंट की तरफ कि शरद पवार ने कहा कि अगर दोनों ही गुट सीमा में रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वह नहीं चाहते हैं कि दोनों ही गुटों में दशहरा रैली को लेकर अब कोई भिड़ंत हो। ऐसे में देखा जाए तो मातोश्री में एक अहम बैठक हो सकती है और दूसरी ही तरफ रश्मि ठाकरे को कमान सौंप दी गई है अब बीएमसी चुनाव की। जी हां, नगर निकाय चुनाव में अब रश्मि ठाकरे आदित्य ठाकरे के साथ मैदान में उतरती हुई नजर आ सकती है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।